नया अपना दीवाना चाहती हो, पुराने को भुलाना चाहती हो। चोट लगने से पहले सभी हल्दी लगाते हैं। बहुत टूटा है दिल मेरा, मरम्मत अब नहीं करनी। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शैलेश लोडा आ गए हैं तो अब बातें होंगी बड़ी कमाल की, और हमारे मित्र जो है वो आज कमाल धमाल कर देंगे। लेकिन जिंदगी में कमाल कई बार गड़बड़ भी कर देता है। एक साहब ने सोचा कि वो कमाल करें। कमाल क्या करें कि बीवी से कुछ छुपा लें। हालांकि बीवियों से कुछ छुपता नहीं है, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें बीवियां ताड़ लेती हैं। तो एक साहब बेचारे गम गलत करके घर पहुंचने वाले थे, उन्होंने कहा जो है ये खुशबू उशबू ना आए तो इलायची चबा ली, और ऐसा व्यवहार करने का उन्होंने सोचा कि किसी को पता ना चले। तो घर गए और पास जाके बीवी की बाहों में बाहें डाल के गले में मिल के बैठे और प्यार जताने लगे। तो बोले आज तुम फिर पी के आए हो ना। बोले तुम्हें कैसे पता चला। बोले क्योंकि तुम्हारा फ्लैट ऊपर वाला है। अगर व्यक्ति ऐसा करेगा तो गड़बड़ हो सकती है। जैसे एक पति ने अपनी पत्नी से कहा तुम बाहर जाती हो ना तो मुझे बहुत डर लगता है। तो पत्नी बोली चिंता मत करो मैं जल्दी आ जाऊंगी। बोले इसी बात का तो डर लगता है। लेकिन आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां डर की कोई बात होगी नहीं। यहां तो बात होगी मोहब्बत की, प्यार की, हंसी की, खुशी की। और बात जब भी होगी सारा देश मेरे साथ कहेगा वाह भाई वाह। तीन मेहमान हमारे बीच में बैठे हैं, तीनों ही पड़ोसी हैं। पड़ोसी मतलब आसपास तो बैठे ही, अन्यथा भी पड़ोसी हैं। जो सबसे पहले बैठे हैं इनका नाम मोहन मुंतजर है। उर्दू में मुंतजर उसे कहते हैं जो प्रतीक्षारत होता है, जो इंतजार करता है। ये मोहन मुंतजर है और ये पंत नगर उत्तराखंड में रहते हैं। और पंत नगर उत्तराखंड बड़ा प्रसिद्ध है, कृषि विश्वविद्यालय वहां पे, और पास में एक जिला है हल्द्वानी। उस जिले की है सुमिता प्रवीण केशवा, जो रहती मुंबई में है लेकिन बिल्कुल आसपास के जिले, और उनके बिल्कुल पास उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला है जहाँ पे कुशल कुशवाहा रहते हैं। मुंतजर इस बात में प्रतीक्षारत है कि वो वैसे तो अपनी गजलों से अपनी कविताओं से देश भर में जाते हैं लेकिन पूरी दुनिया में कैसे छाएंगे। तो आज वो वक्त आ गया है जब मोहन मुंतजर अपने गीत और गजलों से पूरी दुनिया में छाएंगे। मोहन, ये तुमने इश्क की शायरी करने की ही क्यों सोची? सर मैं इश्क की शायरी करता नहीं हूँ। असल में क्या होता है कि दो तरह के लोग होते हैं ना, एक वो जिन्हें मिल जाती है, हाँ, एक वो जिन्हें नहीं मिलती है। तो मैं उनमें से जिसे नहीं मिली। हाँ, और एक कुशल कुशवाहा जैसे लोग हैं जिन्हें मिल जाती है पर टिकती नहीं है। सुमिता जी, बहुत कम ऐसा होता है कि जो कवित्रियां हैं वो हास्य की कविताएं करती है, आप उनमें से जो हास्य कविताएं करती है, ये क्यों सूझा आपको, क्यों किया आपने ऐसा? जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जी बिल्कुल, क्योंकि जरूरी है बताना, क्योंकि पति और पत्नी के झगड़े कभी खत्म नहीं होते हैं। अच्छा, क्योंकि ये पिछले जन्म के दुश्मन होते हैं, बदला लेने के लिए इस जन्म में शादी कर लेते हैं और जिंदगी भर बदला लेते रहते हैं। आपके पति से तो आप डबल बदला ले रही है, शादी भी की और कविताएं भी सुना रही है। बिल्कुल धन्यवाद। चलिए, तो बड़ा मुश्किल होता है जिंदगी में हंसी को लिखना, लेकिन सुमिता केशवा हंसी को लिखती है। और कौशल कुशवाहा एक बिल्कुल युवा कवि है जो गाजियाबाद से हमारे बीच में आते हैं। उनका परिचय मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इनका परिचय खुद इनकी कविताएं देंगे। आ जाओ कौशल, जोरदार तालियों के साथ कौशल कुशवाहा। नए लोगों को यहां से उठाकर यहां रखने का हुनर शैलेश दा को बखूबी आता है। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। सर ने बताया कि मैं गाजियाबाद से आया हूं। गाजियाबाद के लोग सच में समझदार होते हैं। मुझे ऑफर आया, मैंने कहा नया अपना दीवाना चाहती हो,
पुराने को भुलाना चाहती हूँ। ओए मुझे मालूम है अपना बनाकर मुझे चूना लगाना चाहती हूँ। एक घटना घटी तो ये भी लिखा कि हमारे दिल की धड़कन का तुम्हें एहसास हो जाता। अच्छा, अगर तुम झूठ भी कहती हमें विश्वास हो जाता। हमारे फेल होने में तुम्हारा हाथ है जाना, अगर तुम पास में होती तो मैं भी पास हो जाता। नंबर में कोई और है, रेटिंग में कोई और, लाइफ में कोई और है, डेटिंग में कोई और। कुछ लड़कियां हैं ट्रेन टिकट की तरह, सुनो कन्फर्म कोई और है, वेटिंग में कोई और। और जब दिल टूटा मैंने चार पंक्तियां भगवान से कही। अच्छा, कि उसको फटे से हाल सा दूल्हा नसीब हो, गुजरे हुए से साल सा दूल्हा नसीब हो, ऐश्वर्या राय जैसी दुल्हनिया मिले हमें, और उसको राजपाल सा दूल्हा नसीब हो। और देखिए सर, ये प्रेम प्यार कुछ नहीं होता, इसे मेडिकल की भाषा में बुखार कहा जाता है। और ये जवानी में दो चार बार सबको ही चढ़ता है। अच्छा, एक छंद पढ़ता हूँ, इसकी दवाई क्या है के यूं तो चेहरे दिखते हजारों दिन में, मगर चेहरा मेरे मन को तो कोई नहीं भाता है। क्या बात? और खाने का भी मन कुछ करता नहीं है तब, और ना पढ़ाई में भी मन लग पाता है, और ना ही एलोपैथी की दवाई काम आती मित्र, ना ही आयुर्वेद का सर रंग लाता है, और जब जब प्यार हद से गुजरता है मित्र, तब तब पापा जी का जूता काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहुत अच्छे भाई, क्या बात है कुशल कुशवाहा भाई, तू पास होती तो मैं पास हो जाता। होता है इश्क में ऐसा होता है, जैसे एक पुरानी प्रेमिका अपने प्रेमी से बड़े दिनों बाद चौराहे पे मिली। अच्छा देखो, आए हाय तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्हें भी इंतजार है कि कभी मिलेगी। बेटा जब बड़े सालों बाद मिलती है ना, तो क्षेत्रफल में इतना परिवर्तन आ जाता है कि आदमी अपना आयतन और घनत्व भूल जाता है। तो जब मिली, बहुत दिनों बाद मिली, तो तुम्हारे लिए मैंने कितने सितम सहे, देखो तो मैं फेल हो गई। वो भी तुरंत बोला, मैं तेरे प्यार में कौन सा कलेक्टर बन गया हूं, मैं भी तो पानी पूरी बेच रहा हूं यहां पे खड़ा होके। अंततः हर प्रेम की यही परिणति होती है, वो प्रेम जो पानी पूरी के स्टॉल पे शुरू होता है, एक खाता है, दूसरा खाता है, एक कहता है जरा मीठा देना, दूसरी कहती है जरा तीखा देना, तीसरी सहेली कहती है कि वाह क्या इश्क चल रहा है। कुछ सालों बाद वो बेचारा पानी पूरी बेचता है, ये बच्चों के साथ आती है, कहती है भैया इन्हें जरा दो एक्स्ट्रा देना। कमाल का है। और सुमिता प्रवीण केशवा के पास कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा ये है कि वो हास्य लिखती है, और बड़ा मुश्किल काम है हास्य लिखना भी, हास्य पढ़ना भी, हंसी का दौर पैदा करना भी, और जब चारों तरफ आंसू हो, ऐसे में सुमिता जैसी कोई महिला आके अगर अपना काव्य पाठ करे तो भाई आ जाओ सुमिता, हम आपके लिए जरा तालियां बजाए। कविताओं को नई ऊंचाइयां देने के लिए मैं शैलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूं, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बात शुरू करती हूं, सुनिएगा कि इश्क में मर मिटने की बाजी लगाते हैं, इश्क में मर मिटने की बाजी लगाते हैं, दोनों शहीद होने को सेहरा सजाते हैं, क्या बात है? दोनों शहीद होने को सेहरा सजाते हैं, लगने से पहले सभी हल्दी लगाते हैं, चोट लगने से पहले सभी हल्दी लगाते हैं। और शैलेश जी फिर पछताते हैं जी, फिर भी शादी करते हैं, और शादी करते हैं और फिर क्या हाल होते हैं सुनिएगा। पति ने गुस्से में आके पत्नी को पीट दिया, कहने लगा जानू हो गई है बड़ी गलती,
प्यार जिसे करते हैं उसे ही तो मारते हैं। मैं तो जानता हूँ पर तुम नहीं जानती। बीबी ने पलट के दो लात घुसे जड़ दी, ऐसा मारा चीख से दहल उठी धरती। कहने लगी मेरे प्रिय आप क्या समझते हो, क्या मैं अपने राजा से प्यार नहीं करती। इसी गोत्र का अगला छंद सुनिएगा कि नाई की दुकान में पति दौड़ा दौड़ा गया, नाई की दुकान में पति दौड़ा दौड़ा गया। कहने लगा भाई मेरे बाल छोटे काट डाल। अच्छा। नाई बोला भाई आज फैशन है लंबे बाल, काहे बोलते हो मेरे बाल छोटे काट डाल। पति बोला घड़ी घड़ी माथा कुट मत कर, छोटे छोटे काट डाल या जड़ से उखाड़ डाल, पत्नी के हाथ में ना आए ऐसा काट डाल। बहुत बढ़िया सुविधा, बहुत अच्छे जी बिल्कुल। और बच्चा बोला मम्मी से कि खेलने को जाऊंगा मैं, रोज टोका टाकी करके ना मुझको सता, तुझसे बिना पूछे ही बाहर मैं चला जाऊं, इतना बड़ा मैं कब हो जाऊंगा ये बता। माँ ने कहा बड़ा होने से भी क्या है फायदा, तुझको बताती हूँ मैं तू भी सुन ले जरा। पूछे बिना मुझसे जो घर से निकल जाए, इतना बड़ा तो तेरा बाप भी ना हो सका। क्या अनुभव है सुमिता जी आपके भाई, वाह। ये सभी आपके भी होंगे घर के, लेकिन आप बोल नहीं रहे, मैं बता दे रही हूँ बस इतना ही फर्क है। बिल्कुल सही बात है। कैसे बोले हम? अब भी आप चाहते हैं कि हम बोले? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तो इतनी औकात नहीं हुई कि हम पूछ के घर के बाहर जा सकते और हम बोले कैसे बोले, आप ही बोलिए बस। मोबाइल का दौर है और देखिए मोबाइल के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। सुनिएगा कि जब से मोबाइल फोन जिंदगी में आया है, कैमरा और घड़ी रेडियो खत्म हो गया, चिट्ठी भी खत्म हुई, कंप्यूटर हुआ है खत्म, मोबाइल के बाद टॉर्च तो खत्म हो गया, कैलकुलेटर MP3 दोनों ही खत्म हुए, साथ था सुकून वो भी तो खत्म हो गया। जिस दिन पति का फोन बीबी के लगेगा हाथ, उसी दिन समझो कि वो खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्या बात है, अब पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है जैसा आप कह रही थी, तो एक पत्नी से पति का झगड़ा हो गया, पत्नी रूठ के अपने मैके आ गई और अपनी माँ को बोली कि उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने वैसा किया, ऐसा किया, मैं यहीं रहूँगी। तो माँ बोली तू पागल हो गई है, गलती उसकी है, तू क्यों सजा पा रही है, तू वहीं रहेगी और उसकी सजा यह है कि मैं भी चलूंगी और 6 महीने तेरे साथ रहूंगी। जिंदगी में अगर इश्क नहीं है तो जिंदगी जिंदगी ही नहीं है, और जिंदगी में अगर इश्क हो जाए फिर भी जिंदगी जिंदगी नहीं है। क्या किया जाए, इश्क एक ऐसी चीज है, करे तो मुसीबत न करे तो मुसीबत, न करे तो दोस्त तंग कर देते हैं, अच्छा तेरा तो कोई है ही नहीं है, सहेलियों को उनकी सहेलियां परेशान कर देती है, तेरी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है, अरे क्या करे बेचारा कोई। इश्क करे तो क्या करे, न करे तो क्या करे, लेकिन हमारे पास एक ऐसा शायर है, एक ऐसे कवि है जो बताते हैं कि जब जिंदगी में इश्क किया जाए तो किस ढंग से किया जाए। उनके पास सारे फॉर्मूले हैं, अचूक नुस्खे हैं जो देश के युवाओं के बड़े काम आएंगे, लेकिन वो लोग जो उम्र से बुजुर्ग हों लेकिन दिल से युवा हैं उन्हें भी ये नुस्खे बड़े काम में आएंगे। तो मोहन मुंतजर जो पंत नगर उत्तराखंड से हमारे बीच में आए हैं, मैं चाहता हूँ वो आए और ये सारे नुस्खे देश को एक साथ बांट दें। मोहन हम जैसे टूटे दिल के आशिकों के धड़कनों पे मरहम लगाने के लिए शैलेश लोढ़ा जी का बहुत बहुत आभार, एक प्लेटफॉर्म हमें प्रदान करते हैं। मेरा मानना है सर कि जो मोहब्बत है वो बराबरी की होनी चाहिए। अच्छा, है ना, किसी लोग को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है, जिनको नहीं मिलती उनके हवाले से एक एक पहला नुस्खा। थी हालत जो मेरी पहले वो हालत अब नहीं करनी, थी हालत जो मेरी पहले वो हालत अब नहीं करनी, बहुत टूटा है दिल मेरा मरम्मत अब नहीं करनी, बहुत टूटा है दिल मेरा मरम्मत अब नहीं करनी, मुझे एक बेवफा लड़की नहीं बर्बाद कर डाला,
जाओ हसीनाओ मोहब्बत अब नहीं करती अरे किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं कभी भी लड़कियां कर तोड़ सकती हैं हमारा दिल कभी भी लड़कियां कर तोड़ सकती हैं हमारा दिल तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं ना जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना ना जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना किसी लड़की बहुत कुल मिला के तुम्हारी शायरी का लब्बल वाब ये है कि तुम मोहब्बत मोहब्बत में यकीन ही नहीं करते है ना हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए अच्छा हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए करोगे मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए क्या बात है वाह कविता का अंतिम पद निवेदन करता हूँ और बहुत फिर आप सभी लोग से आज्ञा कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम हसीनों पर नहीं आता भगाने का इल्जाम फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए वाह वाह ये तुमने बड़ा उसका वो पक्ष रखा जो दर्द वाला था कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत इसका दूसरा पक्ष और है कि मोहब्बत क्यों नहीं होनी चाहिए कि जो करोगे मोहब्बत तो रोज उसका फोन रिचार्ज करवाना पड़ेगा उसके स्कूटर में पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा जो करोगे मोहब्बत तो नई नई डिमांड लाएगी कभी बर्गर कभी पिज्जा कभी पता नहीं क्या क्या खाएगी जो करोगे मोहब्बत तो आइसक्रीम भी खिलानी पड़ेगी जो करोगे मोहब्बत तो गिफ्ट्स भी दिलानी पड़ेगी जो करोगे मोहब्बत तो पिक्चर भी दिखाओगे जो करोगे मोहब्बत तो उसके घर के चक्कर लगाओगे और ऐसे में अपने बाप को कह दे कि मैं तो इसे जानती नहीं ये तो गुंडा है पता नहीं रोज रोज क्यों आता है रोज छेड़ता है मुझे चक्कर लगाता है बाप और भाई मिलकर पीटेंगे मोहल्ले में तुम्हें घसीटेंगे और बाप के हाथों से ऐसे शामत ही क्यों आए हम तो चाहते ही नहीं है कि मोहब्बत हो लेकिन हम जो चाहते हैं बड़ा कमाल का है हम चाहते हैं ये अगला सेगमेंट जिसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी एक फिल्म का एक दृश्य दिखाएंगे आवाज नहीं सुनाएंगे और ये उस पर क्या बताएंगे ये खुद ही बताएंगे तो देखते हैं कहानी थोड़ी इल्मी है अरे वाह भाई वाह भाई वाह वाह असित सेन साहब हैं ओह ये तो कोई क्लासरूम का दृश्य है विजेंद्र घाटके जी नजर आ रहे हैं शायद मुझे खड़े हो रहे राकेश रोशन जी भी हैं मिथुन दा भी है निकल हाँ सुमिता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं हाँ जी क्या
शिक्षक ज्ञान का भंडार सबको ज्ञान देते हैं, शिक्षक ज्ञान का भंडार सबको ज्ञान देते हैं, शिक्षक और सड़क में भेद नहीं एक जैसे होते हैं, खुद है वो जहाँ पर भी वहीं पर ही वो रहते हैं, खुद है वो जहाँ पर भी वहीं पर ही वो रहते हैं, मगर औरों को उनकी मंजिल तक वो पहुँचा देते हैं, मगर औरों को उनकी मंजिल तक वो पहुंचा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बढ़िया बात कही, शिक्षक और सड़क बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और सही बात है, जिंदगी में वही लोग काम करते हैं जो स्वयं नहीं सोचते स्वयं के बारे में, वो सोचते हैं दुनिया के बारे में, वो सोचते हैं इस जमाने के बारे में, वो सोचते हैं देश और वतन के बारे में। और जिंदगी में आप ये मान के चलिए कि कुछ नहीं बचेगा, तब वाह भाई वाह के इस मंच पे मुझे एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि हैं, उनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा याद आता है। वो कहते हैं कि तू ही क्या मिट जाएंगे सभी देर सवेर, तू ही क्या मिट जाएंगे सभी देर सवेर, बाकी बस बच जाएगा कुछ दोहे कुछ शेर। वाह भाई वाह।